कृष्णा का नया Q&A आया है, हेल्दी डोज ऑफ ईटिंग रैपर्स, फ्रॉम रेडिट Q&A टू इंस्टाग्राम का Q&A, मतलब वही फीलिंग आ रही है जैसे कि इलेक्शंस के टाइम पे पॉलिटिशियन हर जगह दिखने लगते हैं ना, वही वाली। भाई लेकिन पॉलिटिशियन तो कोई और है। थप्पड़ मार, मैं थप्पड़ मार दूंगा साले। एक तो वैसे इंडियन रिएक्शन चैनल्स को कोई भाव नहीं देता और तो पिटवा के ही मानेगा। चू कृष्णा से Q&A में फाइनल क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन, जिसका रिप्लाई कृष्णा ने दिया ईटिंग रैपर्स फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। भाई लेकिन मेरे को तो इस सेगमेंट से बहुत दिक्कत है। हाँ भाई ये भी कोई आंसर हुआ? अबे आंसर नहीं, क्वेश्चन से दिक्कत है। मतलब इमेजिन करके देखो कि कृष्णा जैसा फ्यूरियस रैपर आपके सामने बैठा है, आपको उससे चार सवाल पूछने का मौका मिला है और आप उससे फाइनल और क्लाइमैक्स क्वेश्चन क्या पूछते हो, व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन। ये क्वेश्चन था कि सबलिमिनल, आई मीन ये क्वेश्चन सेट किसने करा था? एनीवे ने। बंटा है रैप आपकी बात छोड़ यार, तेरी स्किन बिल्कुल मक्खन है क्या? मक्खन उसका ध्यान कैसे रखता है तू? Spotify रैप अप, मतलब वो घोर कलयुग मार्केटिंग का तरीका है जिसमें कंपनी साल भर हमारे गाने सुनने के पैटर्न को एनालाइज करती है, वो देखती है कि हम दिन में कौन सा गाना किस समय सुनते हैं और अंत में हमें जो दो तीन चार्ट बना के दे देती है, ये रहा तेरे टॉप आर्टिस्ट, ये रहा तेरा टॉप गाना, तूने इतने मिनट तक म्यूजिक सुना, और हम यही सोच के खुश होते हैं कि वाह कितना अच्छा चार्ट बनाया, हमें कोई भी कर रही है कि हमारे डेटा को वो लेके कैसे कैसे यूज कर रही है। ठीक है कोई बात नहीं, उसकी बात है बाद में। सबसे पहले तो ये AP Dhillon तो भाई क्या कर रहे हैं ब्रो, 1 billion स्ट्रीम्स, उल्टान पलटान गिर दी भाई, 100 करोड़ स्ट्रीम्स। तो पैसा कितना कमाया होगा? रुक अभी देख के बताता हूँ। ओके तो स्पॉटिफाई रॉयल्टीज कैलकुलेटर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में डालते हैं 100 करोड़, जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू हुआ कितना हुआ भाई, पूरे 23,80,000 डॉलर। ओ माय गॉड, इसको INR में कन्वर्ट करो तो बनते हैं 19.3 करोड़ रुपए। ओ बाप रे, स्पॉटिफाई स्ट्रीम से इतना रेवेन्यू, मतलब 19 करोड़ में तो भाई 19 बार रणवीर सिंह को अपने मोहल्ले के फंक्शन में नचवा दो यार, टू मच। चलो MC Stan के नंबर देखते हैं। सो 2021 में थे उसके 40 मिलियन स्ट्रीम्स और अभी है 113 मिलियन स्ट्रीम्स। बिग रिस्पेक्ट, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जनता बनाई भाई रे। एंड कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोग MC Stan की कोई पुरानी क्लिप को वायरल कर रहे थे जिसमें वो पेट्रोल नहीं था बाइक में, उसको धक्का दे रहा था। MC Stan पेट्रोल को पैसे नहीं। इस साल Stan ने खाली Spotify के स्ट्रीम से इतना रेवेन्यू कमाया है कि वो पुणे में एक पेट्रोल पंप खरीद सकता है। ठीक है तो बच्चों, ऐसे आर्टिस्टों को ट्रोल करना बंद करो, जिसको तुम ट्रोल कर रहे हो वही कल जाकर उखाड़ रहा है। ट्रोलिंग से ज्यादा थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। सो नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा के इस साल Spotify पे अराउंड 94 मिलियन स्ट्रीम्स है, विच इज इक्वल टू अराउंड 9.5 करोड़ स्ट्रीम्स, और उनके लिसनर थे 60 लाख। टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली हैप्पी फॉर कृष्णा बिकॉज फाइनली He's getting the much due attention which he has always deserved. इक्का के अराउंड 8 करोड़ स्ट्रीम, तो मतलब समझ रहे हो कंसिस्टेंसी और जो जनता को चाहिए वैसे गाने देने की वजह से इक्का भाई ने डेफिनेटली अपना वो लॉयल फैन बेस बना दिया है जो उनके साथ काफी लॉन्ग टर्म तक स्टिक रहेगा। बॉस तला अंजुम का नंबर देख के तो मेरी फट गई, 20 लाख लिसनर्स और 4 करोड़ स्ट्रीम्स। अगर तुम 40 के साथ कंपेयर करो तो यहाँ पे सीन ये है कि दोनों को 20-20 लाख है लिसनर्स, लेकिन स्ट्रीम्स तला के जस्ट डबल है। इस समय क्या इंसाइट है कि तला अंजुम के सॉन्ग्स ज्यादा प्लेबल, रिपीट वैल्यू है, बार बार उनको प्ले कराया जा सकता है। भाई इससे तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एनालिसिस निकल के आ सकती है ब्रो, लाइक अगर हमें जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके अगर नंबर्स मिल जाए तो हम लोग एक इसके ऊपर स्पेशल एपिसोड बना सकते हैं। क्या कहते हो, ऐसा कुछ करा जाए? हाँ भाई करा जाए। ठीक है भाई करते हैं, नंबर्स आने दो सबके एक बार। एंड भाई देखो मैं उस्ताद जी सिद्धू मूसेवाला की तो बिल्कुल बात ही नहीं करूंगा, उनके नंबर्स ऑलमोस्ट 1 billion के अराउंड स्ट्रीम्स टच करने वाले थे। तो भाई देखो ग्लोबल आर्टिस्ट है, सो लाइक नंबर्स भी बिल्कुल ग्लोबल आर्टिस्ट वाले ही जा रहे हैं। बट भाई अगर बात करें यंग सनर्स की तो उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की स्पॉटिफाई की तो बिल्कुल खाई रखा है। लोकल आर्टिस्ट की टॉप 10 के लिस्ट में जो पहले 5 नाम है उनमें से 3 नाम तला अंजुम, तला यूनुस एंड यंग सनर्स हैं। मतलब समझ लो आदमी 2 और जगह 3 है, क्या लिसनर्स है ब्रो, इनके क्या फैन बेस है, फाड़। देखिए यार इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट यार अपने टॉप 10 में कहीं नहीं आया, मतलब इतना कोई फायदा ही नहीं हुआ, इतना बीफ शीप का हमने सोचा, इतनी
इतनी बीफ हो रही है, इतने स्ट्रीम दारे, कहीं तो कुछ मिलेगा, लेकिन कोई नंबर नहीं मिला यार। बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर स्पॉटिफाई टू ऑफिशियली रिलीज द लिस्ट। अभी तक जो भी हम लोग को नंबर्स मिल रहे हैं वो हम लोग को बेसिकली इधर उधर से मिल रहे हैं, जो एल्गोरिथम पकड़ रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं स्पॉटिफाई को, वहां से आ रहे हैं। अभी स्पॉटिफाई अपनी फाइनल लिस्ट को रिवील करेगा, टॉप 10 आर्टिस्ट, टॉप 10 ऑफ एवरीथिंग। आई रियली विश, होप एंड जो भी होता है कि हमारे इंडियन हिप हॉप सीन से अदर देन किंग, क्योंकि किंग तो डेफिनेटली आने वाला है, इंडियन हिप हॉप सीन से अदर देन बादशाह तो पक्का आएंगे, इंडियन हिप हॉप सीन से कोई आर्टिस्ट टॉप 10 की लिस्ट पे आ पाए, फिंगर्स क्रॉस ब्रो। लेकिन रैप अप के बाद बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट की जिसको देख के मेरी आंख और मेरी नाक दोनों से पानी आ गया यार। भाई मिर्ची खा ली थी क्या? अबे मिर्ची तू खाते होते साले, मैं तो इस होल से मूवमेंट की बात कर रहा हूं बे तोते। मतलब बोहेमिया बाजी यूयू हनी सिंह साथ में, मतलब एक और बीफ स्कॉर। अरे यार, मतलब इतनी गर्मा गर्मी का कोई फायदा ही नहीं मिला। आज मेरे अंदर का एक WWE फैन फिर से मर गया यार। पहली बार तब मरा था, वो याद है, मचाओ मचाओ देख के यार। तुम मचाओ, तुम भी मचाओ यार। बट टू बी ऑनेस्ट, आई एम रियली हैप्पी टू सी कि दोनों लेजेंड्स की बीफ जो है वो स्क्वॉश हो गई है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और भाइयों, अगर आपको ये लगता है ना कि ये बीफ अभी स्क्वॉश हुई थी, हनी सिंह के 2022 होली इवेंट को बोहेमिया पाजी ने भी शेयर करा था। यस, बोहेमिया पाजी ने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें वो बात कर रहे थे यो हनी सिंह से मोबाइल के थ्रू, मतलब क्या वीडियो कॉल कर रहे थे। तो भाइयों, ये बीफ कब की स्क्वॉश हो चुकी है, बस कैमरे के सामने अभी आई है। और मेरा तो हनी सिंह का लोग की बीफ कर देसी हनी सिंह, उस वेले भी हनी सिंह थे, मैं होटल चुप के चाय पी रहे थे आज तो 10 साल पहले। अबे वो देखा कृष्णा के लाइव शो में रफ्तार कहते सिक्योरिटी गार्ड की तरह डिस्गाइज कर गया है। तो भाई क्या सही मूव था यार, मतलब क्या एनर्जी आई देख के, एकदम से गार्ड आता है स्टेज के ऊपर और गला ये गोल है ना, मतलब फाड़ भाई फाड़। एंड ये वाला वीडियो देख के तो भाई मुझे इतना तरस आया, वो जो पीछे बच्चे नाच रहे हैं उनको पता ही नहीं कि इवेंट का हेडलाइन आर्टिस्ट जब उनके सामने बैठा हुआ है। भाई मेरे मन में एक थॉट आया है। क्या भाई? अब सुन बता रहा हूँ, एक बार जरा विजुलाइज करके देखो कि जिस समय ये सजाए मौत प्ले हो रहा था और रफ्तार का पार्ट आने वाला था, जैसे ही रफ्तार का पार्ट आता म्यूजिक चेंज होती और तुरंत गाना बजने लगता मुंबई से दिल्ली तक, और एमी वे की एंट्री हो जाती स्टेज पे। जनता को समझ ही नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करना, बीफ स्क्वॉश होने के गम में रोए या फिर खुश होए क्योंकि दो बड़े आर्टिस्ट साथ में मिल गए। क्या लॉर्ड पुनीस से याद है भाई, मैंने एक नया वीडियो देखा भाई, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, देखो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, अपनी तरफ से पूरा डॉज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जरा एक बार ये देखो। मतलब क्या तिड़ी बुड़ी लॉर्ड ने यार, वैसे मैंने एक और हीरा ढूंढा है, लोटा लेके पटरी बेहकता जमीन के लिए लड़ता मेरा ताऊ और चाचा, पूरा नहीं दिखा पाऊंगा कॉपीराइट क्लेम की वजह से, लेकिन जरा ये तो देखो। भाई मतलब क्या क्रिएटिविटी है यार, क्या लॉर्ड ने, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, हेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो पूरा देखो और मजे करो। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, इस वीडियो के एंड करते हैं, वैसे NNN खत्म हो गया, पूरे मजे करो। देखो हम तो नहीं मानते ये सब चीजें, हम तो ओल्ड स्कूल आदमी है भैया, तो हम ये सब नहीं मानते, लेकिन आप नए जमाने के ढोचे, ठीक है, तो मजा करिए, मस्ती करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं करते ब्रो, हम 20,000 टच करने वाले हैं या कर भी गए होंगे, प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बढ़िया बढ़िया रील्स डाल लो, मजे आएंगे। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, पीस।